हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जॉइंट्स के बारे में, साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन पूरी डिटेल में। इस वीडियो में हम जानेंगे मसल्स के बारे में, टाइप ऑफ मसल्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मसल्स, डेरिवेशन ऑफ नेम। सो मसल्स आर सो नेम्ड बिकॉज जो मस है, मसल्स का मस, वो ड्राइव हुआ है माउस से। ओके, आर सो नेम्ड बिकॉज मैनी ऑफ देम रिजेम्बल्स अ माउस। क्योंकि जो मसल्स हैं, मतलब उनमें से बहुत सी मसल्स जो हैं एक माउस की तरह होती हैं, विद देयर टेंडन रिप्रेजेंटिंग द टेल। सो मसल जो है वो माउस की तरह है, और जो उनके टेंडन्स हैं वो माउस की टेल की तरह है। सो मस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड माउस। सो मसल्स को माउस से कंपेयर करते हैं और उसके टेंडन्स को उसकी टेल से। डेफिनेशन, मसल इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू विच ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट्स। मसल एक कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है जिससे मूवमेंट्स होती हैं। मसल्स कैन बी रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी को पंप करने के लिए मोटर्स का यूज करते हैं, ऐसे ही हर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक मोटर होती है जिससे सब पूरा सिस्टम जो है वो चलता है। ऐसे ही हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको चलाने के लिए मसल्स दी गई हैं। सो इसलिए मसल्स को हम मोटर्स की तरह भी बोल सकते हैं बॉडी का, कि बॉडी का जो मोटर होता है दैट इज मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स, अब मसल्स के टाइप। सो मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। बेसिकली जो मसल्स होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। द कैरेक्टर्स ऑफ ईच टाइप आर समराइज्ड। आगे हम वो भी पढ़ेंगे उनके बारे में डिटेल में। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के और भी नाम्स हैं, जैसे स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, सोमैटिक मसल्स भी बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। सो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द स्केलेटल मसल्स। पार्ट्स ऑफ अ मसल, एक मसल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं। सो ए, टू एंड्स होते हैं एक मसल के, दो एंड्स होते हैं, ओरिजिन एंड इंसर्शन। ओरिजिन इज द वन एंड ऑफ द मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। सो ओरिजिन एक एंड होता है मसल का जो फिक्स्ड रहता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। मसल इज वन एंड ऑफ द ओरिजिन इज वन एंड ऑफ द मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो एंड फिक्स रह रहा है उसको ओरिजिन बोल रहे हैं, एंड इंसर्शन वो है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो एंड मूव कर रहा है। ठीक है, इंसर्शन इज द अदर एंड विच मूव्स ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। सो इन द लिम्ब मसल्स मीन्स हैंड्स एंड फीट मीन्स लेग की जो मसल्स हैं, द ओरिजिन इज यूजुअली प्रॉक्सिमल टू इंसर्शन। बेसिकली ये देखा जाता है कि जो हैंड्स एंड लेग की जो मसल्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो प्रॉक्सिमली है, मीन्स पहले है देन इन कंपैरिजन टू इंसर्शन। और इंसर्शन हमेशा बाद में देखा जाता है ओरिजिन के, पहले ओरिजिन मिलेगा देन इंसर्शन मिलेगा, मेनली लिम्ब मसल में। ओके सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सो स्ट्राइटेड मीन्स स्केलेटल मसल। ओके, एंड नॉन स्ट्राइटेड इज स्मूथ मसल हेयर, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। ओके सो मैं थोड़ा सा स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में बताना चाहूंगी। ये मेजरली आपके स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स आर स्मूथ मसल्स जो जिनकी मूवमेंट्स आपको पता ही नहीं चलती हैं और वो स्मूथ इन नेचर होते हैं, लाइक ईसोफेगस, इंटेस्टाइन्स,
ये इनकी मूवमेंट्स आपको बिल्कुल नहीं पता चलती, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं पूरी। एंड कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो बेसिकली, कार्डियक मीन्स हार्ट, कार्डिया मीन्स हार्ट, सो कार्डियक मसल्स जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होती ठीक है, उसकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्राइटेड मसल्स, सो स्ट्राइटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन द लिम्स, बॉडी वॉल, टंग, फ्रेनेक्स एंड बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस। ये जो स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है, टंग में प्रेजेंट होती है, फ्रेनेक्स में प्रेजेंट होती है एंड ईसोफेगस के बिगनिंग में प्रेजेंट होती है। ये लॉन्ग होती है एंड सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल फिगर भी है। लॉन्ग होती है एंड सिलेंड्रिकल होती है, फाइबर्स अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जितने भी आप ब्लू कलर के डॉट डॉट से देख रहे हो दैट आर न्यूक्लियस, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाउंडेड बाय सार्कोलेमा, सार्कोलेमा से बाउंडेड होती है, सार्कोलेमा से कवर्ड होती है, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लाइट एंड डार्क बैंड्स, जहाँ पे लाइट पिंक दिख रहा है वो लाइट बैंड्स हैं, जहाँ पे डार्क पिंक दिख रहा है दैट आर डार्क बैंड्स। ओके एंड नो इंटरकैलेटेड डिस्क, कोई इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं प्रेजेंट। नर्व सप्लाई फ्रॉम क्रेनियल नर्वस सिस्टम, नर्व सप्लाई आती है क्रेनियल नर्वस सिस्टम से, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती है, बहुत सारी होती है ब्लड सप्लाई, और कॉन्ट्रैक्शन वेरी रैपिड, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिस सून गेट फिटीग, और ये थक भी जाती हैं जल्द ही। वॉलेंट्री होती है मीन्स हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन मसल्स को वॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में है ये मसल्स। ओके सो नेक्स्ट इज नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स। सो ईसोफेगस डिस्टल पार्ट, ईसोफेगस का डिस्टल पार्ट में ये प्रेजेंट होती हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक में प्रेजेंट होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, बिकॉज इट इज अ नॉन वॉलेंट्री थिंग ना, दैट्स वाई। एंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं, तभी तो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे हाथ में नहीं होता है, इट इज एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इरिस ऑफ आई, एरेक्टर पाइलाई मसल ऑफ हेयर, स्पिंडल शेप्ड होती है, ये स्पिंडल शेप्ड होती है, सी स्पिंडल की तरह होती है। दीज आर स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स एज यू सी इन दिस डायग्राम, सो स्पिंडल शेप्ड होती है एंड फाइबर्स जो है वो अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें भी यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, एक एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें तो मल्टी न्यूक्लियस था स्केलेटल में, सो यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, बाउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा से ये बाउंड होती है मीन्स कवर्ड होती है प्लाज्मा लेमा से, इसमें भी डार्क एंड लाइट इसमें नहीं होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं है इसमें एज यू सी इन स्केलेटल मसल्स, बट हेयर दीज आर एब्सेंट, नो लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट, नो इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ब्लड सप्लाई इज स्कैंटी, ब्लड सप्लाई इसमें उतनी अच्छी नहीं होती है ठीक है, जितनी अच्छी स्केलेटल और कार्डियक की होती है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है इनका, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करती हैं ये मसल्स, और ये दे डू नॉट गेट फिटीग, ये थकती भी नहीं है ये मसल्स, एंड दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री, दैट मीन्स दैट वी ह्यूमंस कैन नॉट कंट्रोल दीज मसल्स राइट। ओके सो दीज आर स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कार्डियक मसल्स। सो एज आई डिस्कस्ड प्रीवियसली दैट इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, सो ये हार्ट में पाई जाती हैं ये मसल्स, ये शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल होती हैं, लेट मी सी। ओके सो कार्डियक मसल्स का यहाँ पे डायग्राम है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस है ब्लू कलर का,
एंड स्केलेटल मसल में आपको ब्रांचिंग दिख रही है, ब्रांचिंग मसल फाइबर्स एंड इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल हैं ये, ठीक है, शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल हैं. फाइबर्स ब्रांच्ड हैं, आप हमने देखा उसमें. यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है. बाउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा से एक कवर्ड है, बाउंड है. फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट, बहुत हल्के हल्के लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है, दैट्स ट्रू, बहुत हल्के हल्के हैं. एंड इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सो हार्ट और कार्डियक मसल जो है वो, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि प्रेजेंट होती है इसमें, इंटरकैलेटेड डिस्क. जैसे इसके जो फाइबर्स है वो शॉर्ट शॉर्ट है ना, सो उसको शॉर्ट शॉर्ट में जो डिफरेंस कौन प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क ओनली, वही डिवाइड कर रहा है. एंड वन वन न्यूक्लियस है हर एक उसमें, एंड ब्रांचेस हैं. देन ब्लड्स, ओके, नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसको ब्लड सप्लाई मिलती है, बिकॉज या वी कैन नॉट कंट्रोल इट ना. एंड ब्लड सप्लाई अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है इसमें. रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, एकदम तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं रैपिडली इसमें. दे नेवर गेट फटीग, और ये कभी थकती नहीं है ये मसल्स, कभी नहीं. जैसे आपका हार्ट है, आपका हार्ट हमेशा पंप करता रहता है, पंप करता रहता है, पंप करता रहता है. और रेस्ट कब लेता है, जब भी आपकी मींस डेथ हो जाती है किसी की. ओके, सो तभी करता है वो. सो दे नेवर गेट फटीग एंड दीज आर इनवॉलेंट्री दैट यू कैन नॉट कंट्रोल इट. ओके, इट इनवॉलेंट्री ऑपरेट होती है ये खुद से ही, इनवॉलेंट्री. ओके, आई होप आपको ये डायग्राम्स एंड ये डिफ्रेंसिएशन समझ आया होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. ओके, सो हाउएवर द टर्म्स ओरिजिन एंड इंसर्शन आर एट टाइम्स इंटरचेंजेबल. कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिन एंड इंसर्शन इंटरचेंजेबल हो जाते हैं. ओके, एंड एट अदर टाइम्स डिफिकल्ट टू डिफाइन एज एन इंटरकोस्टल मसल्स. और कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं डिफाइन करना, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स में. सो टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं एक मसल के. एक होता है फ्लैशी पार्ट, जिसको बोलते हैं बेली, जहाँ पे मसल मास ज़्यादा होता है. एंड दूसरा होता है फाइबरस पार्ट, विच इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और इनइलास्टिक होता है. वन कॉर्ड लाइक और रोप लाइक, जब कॉर्ड लाइक और रोप लाइक होता है तो उसको बोलते हैं टेंडन. फ्लैशी पार्ट तो मसल का हो गया, और मसल का जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और इनइलास्टिक पार्ट है, जो उसको हम फाइबरस पार्ट बोलते हैं, और उसको हम नाम देते हैं, अगर वो रोप लाइक है तो टेंडन, अगर फ्लैटन है तो एपोनिरोसिस. फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हैव अ एपोनिरोसिस. ओके, फ्लैटेंड टेंडन जिसको बोल रहे हैं, देन आगे जाके वो रोप लाइक हो जाता है. ओके, सो देन आई होप आपको ये जो मेन डिफरेंस था टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स का, ये समझ आया होगा. रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी अपडेटेड फॉर फर्दर वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय.